गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज, आज हम करने वाले हैं ड्रैग रेस, कार ऑक्शन और बहुत सारी चीजें। लेकिन जब तक हमें एक सुपर अल्ट्रा रेयर गाड़ी नहीं मिलेगी, तब तक हम इस वीडियो को एंड नहीं करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बना स्किप के पूरा देखना। अगर पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं सीधे गेम में। तो गाइज, फाइनली हम गेम में आ चुके हैं और ड्रैग रेस करनी है आज हमें, और वो भी सुपरा के साथ। तो यहाँ पर ये सुपरा, इसको चेकआउट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या है भाई? रेसिंग किट है, टर्बो है, नॉक्स है, सब कुछ है। चलो इस सुपरा को उठाते हैं और हम चलते हैं सीधे ड्रैग रेस के लिए। तो गाइज, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं ड्रैग रेस के लिए और ये एक बंदा है यहाँ पर। ओके भैया जी, आपसे हम करने वाले हैं आज ड्रैग रेस। $900 के लिए नहीं आए हैं हम, 1100 के लिए भी नहीं आए हैं हम, आए हैं बैटिस कार के लिए। तो 1 2 3 बूम गाइस, शुरू करते हैं इस ड्रैग रेस को। तो गाइस, यहाँ पे पूरा जो एटमॉस्फियर है वो ज्यादा डार्क है और रियलिस्टिक लग रहा है। बहुत ज्यादा लाइटिंग में चेंजेस किए अपडेट के अंदर गेम के। और रेस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इंजन को शुरू कर देते हैं गाइस, लेट्स गो। एक गियर शिफ्ट कर देते हैं और जैसे जैसे गेम स्टार्ट होती है आगे जाते हैं। लेट्स सी। ओ भाई, उसकी गाड़ी कहाँ चली गई भाई? वो बंदा गाड़ी लेके निकल लिया सीरियसली? अभी तो रेस शुरू होने वाली है ना। ठीक है, चलो जाते हैं। ओके, गियर शिफ्ट करेंगे, नॉक्स देंगे, बहुत बढ़िया। फिर से शिफ्ट करेंगे, वेरी नाइस। भाई वो बंदा आया ही नहीं, हम जीत जाएंगे क्या? ओके गाइस, तो रेस तो खत्म हो चुकी है। 12 सेकंड में हमने रेस खत्म कर दी। पर वो बंदा आगे चला गया, फिर पीछे गया। ओके, अब हो क्या रहा है? गेम चिपक गया शायद, आई डोंट नो। गेम में कुछ नहीं हो रहा है, गेम पूरी तरह से गाइस चिपक चुकी है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बट अगर यहाँ से हम बैक करेंगे तो हम अपनी सुपरा हार जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऑन द रेस बंद करते हो गेम को या फिर बैकआउट करते हो तो आपकी जो गाड़ी होती है वो आप हार गए हो ऐसा प्रूव हो जाता है। और यहाँ पर वो बंदे की गाड़ी नहीं आ रही, ऑलमोस्ट 60 सेकंड्स हो चुकी है भाई। बहुत गंदा सीन हो गया अपने साथ गाइस। मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ होगा। हम एक काम करते हैं, बैक ही करते हैं, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास भाई। बैक टू टाउन देते हैं और हमारी सुपरा इसी चक्कर में चली गई गाइस। तो हम रेस जीते मगर फिर भी हमारी सुपरा चली गई। बहुत बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। और भाई क्या करें, इतने बग्स है इस गेम के कि कुछ बोल नहीं सकते। और देखिए गाइस, वो बंदा भी चला गया, हमारी सुपरा भी चली गई और यहाँ से हमें भाग के घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं यार। तो गाइस, हम ऑफिस आ चुके हैं और जब तक नया अपडेट नहीं आता है तब तक हम एक भी ड्रैग रेस नहीं खेलेंगे, क्योंकि भाई ये तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्कैम ही है। चेकआउट करते हैं, नेबरहुड में एक चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई गाड़ी अच्छी है कि नहीं। तो गाइस, हम नेबरहुड आ चुके हैं और यहाँ पे भाई सुपरा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू कुछ मिल जाए अच्छी सी एक गाड़ी तो मजा आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बीएमडब्ल्यू की कूपे है। जी हाँ, हेलो डायन दीदी कितना लोगी इस कूपे का? देखते हैं, 88,000 बोल रही है। पागल है तू, 70,000 दूंगा मैं इसके, अगर चाहिए तो ले ले। चल 70,000 में दे दे ये गाड़ी। नहीं ना बोले भाई, गजब बेइज्जती है यार। 75 दे दे, चल इससे ज़्यादा तो नहीं बनता इस गाड़ी का। ठीक है चलो, दे दी, बहुत बढ़िया। ये हमारी डायन दीदी को थोड़ी दिमाग था तो उसने दे दी हमको। और गाड़ियाँ ढूंढते हैं कि नेबरहुड में है कि नहीं। तो गाइज, यहाँ पे मस्टैंग दिखी है मेरे को, मगर मस्टैंग तो हम चलाते नहीं है, तो आगे ही जाते हैं, चेकआउट करते हैं और गाड़ियाँ है कि नहीं। तो गाइज, नेबरहुड में तो कोई गाड़ी है नहीं। तो गाइज, हम ऑफिस पहुँच चुके हैं और इस वाली गाड़ी को डालते हैं रिपेयरिंग में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डैमेज थी। तो चलो भैया, आप इसको रिपेयर कर दो। तब तक आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में हमने एक फरारी जीती थी और उस ऑक्शन को हमने स्किप कर दिया था, तो फरारी आके वहां पर पड़ी है, हम उसको फटाफट लेके आते हैं। ओके गाइस, तो इस फरारी को हमें थर्ड फ्लोर पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक एलाइट कार है और जो भी ऐसी एलाइट कार्स है उसको हम थर्ड फ्लोर पे रखते हैं हमारे स्पेशल कलेक्शन में। तो मैं इसे फटाफट थर्ड फ्लोर पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस, थर्ड फ्लोर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे पार्क करेंगे इसको। चला जा पीछे फटाफट, बूम। ओके, ये हमारी फरारी हो चुकी है पार्क और ये गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी है और साथ में रात भी हो चुकी है। तो इस गाड़ी को मैं फटाफट साफ कर देता हूं और उसके बाद ये पूरे दिन को स्किप करके मैं आपको मिलता हूं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, तो देखते हैं कि कार मार्केट प्लेस में हमें कौन सी चीजें मिलती है। मगर उससे पहले नेबरहुड चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमें अच्छी सी गाड़ी मिल जाए। और सामने मुझे लग रहा है कि कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, नहीं है अच्छी गाड़ी नहीं है, ठीक ठाक है ये गाड़ी है। तो गाइस, नेबरहुड में तो मेरे को एक भी अच्छी गाड़ी नहीं मिली है। हम फटाफट चले जाते हैं कार मार्केट प्लेस। तो गाइस, हम आ चुके हैं कार मार्केट प्लेस और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ है। ओके, अवार्थ है, शवेली है,
और भाई बस बस दो ही गाड़ियाँ अच्छी आई है, बाकी सब तो ठीक ठाक गाड़ियाँ है। भाई क्या चल रहा है गेम में आजकल? ये BMW के N3 है जो चलती नहीं है ये भाई, ये क्या है इसका बता दे भाई। 1,93,000 बोल रही है ये। एक काम करते हैं इसको खरीद ही लेते हैं, इसको 1,60 की ऑफर देते हैं, 1,60,000 की, 1,60,000 में मिल जानी चाहिए वैसे ये। ओके मिल गई, बहुत बढ़िया। और इसको अपन सीधा रिपेयरिंग के लिए, भाई रिपेयरिंग भी पैक है आज, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, किस्मत ही खराब है। चलो ये जोकर से पूछते हैं, शवैली का। शवैली 72, पागल है तू? 72 में थोड़ी ना दूंगा मैं इसको 60,000 में लूंगा, 60,000 में दे दे। और हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी 60 में मिल चुकी है। इसको भेज देते हैं रिपेयर पे, और इसके लिए सेकंड रिपेयर अभी ओपन होगा, देखते हैं। और बाकी रॉकनी है, मस्तैंग है, उसमें तो कुछ मजा है नहीं, तो मैं काम करता हूँ इस वाली को, सॉरी कहाँ गया बार था, इस वाली को चला के ही पहुंचता हूँ फटाफट ऑफिस। तो गाइज हम यहाँ पे ऑफिस पहुंच चुके हैं, और भाई साहब यहाँ पे ऑलरेडी दो गाड़ियाँ है। ओके BMW हम रिपेयर करने के लिए छोड़ के गए थे, ये तो मेरे को याद ही नहीं है भाई साहब। ठीक है तो इसको रिपेयर कर, तब तक हम इस BMW को कलर करवा के रख देते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत तो हमें कलरिंग करवाना पड़ेगा। चल भाई तू पीछे आ जा फटाफट। ओके इसको यहाँ पे पार्क कर देते टेम्पररी, और ये वाली अवार्थ को लेके जाते हैं। वो वाली शवैली भी जो है वो रिपेयर हो चुकी है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, उतरेंगे। चल भाई तू इसको कर दे रिपेयर, और हम ये शवैली को उठाता है, सॉरी ये BMW को उठाता है, और इसको करवाता है फटाफट पेंट। चलो भाई आ जाओ इधर, और पीछे ले लो। भाई ब्रेक्स कम हो गई क्या इसकी? ओके इसको पेंट करवाएंगे, सिल्वर कलर टाइप की है, और इसको सिल्वर ही रखेंगे, उतना ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे इसका जो कलर है वो। ओके और ये हो चुकी है पेंट, इसको मैं पीछे पार्क कर देता हूँ और दूसरी गाड़ी को पेंट करवाता हूँ। ओके गाइज एक बार फिर से ये खटारा आ चुका है, ये खटारा हर बार मेरे को हर एपिसोड में परेशान करता है। ओके हट गया, और अब शवेली को पार्क करते हैं और उसका भी कलर चेंज करवाते हैं। और इसका कलर हम ऑलमोस्ट जो स्टॉक कलर है उसके आसपास ही रखेंगे, उतना ज़्यादा ट्वीक नहीं करेंगे। ओके और ये भी हो चुकी है कलर, इसको मैं पीछे पार्क कर देता हूँ और लास्ट वाली अवार्थ लेके आता हूँ। ओके गाइज अब बारी है इस अवार्थ के कलर को चेंज करने की, और इसका कलर भी हम थोड़ा ही चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे। और इन गाड़ियों को मैं फटाफट शोरूम में पार्क कर देता हूँ, सबसे पहले अवार्थ से शुरुआत करता है। चलो भाई अवार्थ आ जा शोरूम में, तो यहाँ पर जगह है अवार्थ की, अवार्थ आ जाएगी इधर, और दूसरी गाड़ियाँ मैं फटाफट लेके आता हूँ। यहाँ से उठाते हैं इस शवैली को और ले जाते हैं गैरेज में, ये वाली शवैली आएगी इधर बाकी शवैली के साथ में, और थोड़ी पीछे लेनी पड़ेगी, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी पीछे ले लेते हैं इसको। ओके और अब मैं लास्ट वाली BMW को भी लेके आता हूँ। ओके ये पार्क हो गई हमारी BMW, और अब गाइस ड्रैग रेस तो हमें करनी नहीं है, क्योंकि उसमें अपनी गाड़ियाँ चीटिंग होके खाई जा रही है, और आज ऑक्शन बॉक्शन कुछ नहीं है, तो आज का दिन यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं आपको कल सुबह मिलता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, आज कार का ऑक्शन है, एंड देखते हैं आज ऑक्शन में कौन सी गाड़ी हमें मिलती है। लेकिन उससे पहले एज मैंडेटरी नेबरहुड में चक्कर लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई BMW या फिर मर्सिडीज हमको मिल जाए। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे की स्ट्रीट में जाके देखते हैं क्या है। तो गाइस नेबरहुड के ये स्ट्रीट्स में आज तो कोई इतनी अच्छी गाड़ियाँ आई नहीं है, ट्रक है, खटारे है, ये रॉकनी की Q1 है, मगर ये सब गाड़ियाँ हमें पसंद नहीं, तो इन सब को स्किप करेंगे और हम सीधे ऑफिस चलते हैं। ऑफिस से जाएंगे सीधे हम कार ऑक्शन, और देखते कार ऑक्शन में आज कौन सी गाड़ी आई है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ गाइस, मैं कार ऑक्शन चेकआउट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर पता चल जाता है ना कि कार ऑक्शन में कौन सी गाड़ी है, तो फिर वो खेलने की जो फील है ना वो फील नहीं आती है, तो फटाफट मैं ऑफिस मिलता हूँ आप। ओके गाइस तो ऑफिस पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू होने वाला है, तब तक मैं फटाफट कार्स की थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों मगर हमारा जो मजदूर है जिसको हमने रखा है, वो बंदा कभी कभी गाड़ियां साफ करता है, कभी कभी वो गाड़ियां साफ नहीं करता है, पता नहीं क्या दारू पी के आता है वो, क्या स्कीमें करता रहता है। देखो अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, उसको ढूंढने जाना पड़ेगा हमें। ओके गाइस थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू होने वाला है, फटाक से यहाँ से टिकट खरीदते हैं, बैठते ऑक्शन में, 7 सेकंड बाकी है, और देखते हैं कि आज ऑक्शन में हमारा लक चमकता है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्शन में हमको अच्छी अच्छी गाड़ियां आराम से मिलती है। ओ भाई क्या आ गया, डॉज वाइपर निकल चुकी है गाइस, जे बात, और इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। ठीक है गाइस चलो बिड लगाते हैं, हमको निसान GTR चाहिए, GTR आती नहीं, और हर बार हमें या तो डॉज की चार्जर मिल जाती है या फिर फरारी मिल जाती है। एक बार फिर से 860 पे आ चुकी है ये, मेरे को लग रहा है कि ये 10 मिलियन के ऊपर ही मिलेगी, 10 मतलब 1 मिलियन के ऊपर ही मिलेगी, नहीं भाई 8 लाख
89,000 में हमको एक गाड़ी मिल चुकी है, जेब बात है, रॉकनी R7 है, इसको स्किप करेंगे, ये हमें इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इसको लेंगे भी। ओके गाइस, गाड़ी नंबर 3 कौन सी आती है, वॉक्सवैगन की गोल्फ है, इसको भी स्किप ही करेंगे। और अब बारी है लास्ट गाड़ी की, और ये आई है ऑडी की S5, भाई ठीक ठाक गाड़ी है, इसको भी स्किप ही करेंगे और ऑक्शन को फटाफट खत्म करते हैं। ओके गाइस, तो ऑक्शन खत्म हो चुका है और ये रही हमारी वाइपर, थोड़ी गंदी है, इसको चमका देता है, थोड़ी सी पीली पड़ गई है, इसको एकदम चकाचक चमकाएंगे अपन। और बूम गाइस, ये हो चुकी है अपनी गाड़ी क्लीन, हमारे पास एक स्किल पॉइंट भी आ चुका है और वॉश स्पीड और वॉश प्राइस दो ही चीज बाकी है, तो जब दो पॉइंट होंगे तब करेंगे। और इस गाड़ी का अगर चेकआउट करें हम स्टेट्स, तो इसके अंदर ड्रिफ्ट किट है, रेसिंग किट है, टर्बो है, मतलब फुल्ली लोडेड गाड़ी है, वाइट कलर की, एकदम चमचमाती, भाई साहब क्या गाड़ी है ये यार। तो इसको फटाफट हम रखते हैं थर्ड फ्लोर हमारे एलाइट कार्स की लाइन में। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पर और यहाँ पर ये मर्सिडीज जो है ना, ये जगह लेके बैठी है, मैं इस मर्सिडीज को पीछे कर देता हूँ। चल भाई तू एक काम कर, यहाँ से तू आ जा आगे, तेरे को सामने वाली लाइन पर रहना है, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये भाई एलाइट कार्स की लाइन है। तो मैं इस फरारी को फटाफट यहाँ पर पीछे पार्क कर देता हूँ। और ये भाई ये बंदा सैलरी किसकी लेता है, इसने एक भी गाड़ी साफ नहीं की है, सब गाड़ी कितनी गंदी है भाई, सीरियसली वो बंदा एक भी गाड़ी साफ नहीं करता है यहाँ पर ऊपर आके। ओके, तो इस वाइपर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और हमारी एक और एलाइट कार आ चुकी है हमारे पास। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 वाइपर हो चुकी है, फिर 3 फरारी हो चुकी है और एक हमारी RX-7 है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग है, वो है GTR। मुझे नहीं पता GTR कब मिलेगी, मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बता देना, बेस्ट ऑफ लक कह देना, शायद अगले एपिसोड में हमको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टाटा एंड लाइक सब्सक्राइब करके जाना।